हमारे संस्कार, ये पहले हमारे समर्पण, हमारी प्रतिबद्धता, इन सब को लेकर के और अधिक सशक्त होकर के प्रशस्त होने का मार्ग तय करता है। साथियों, जनसंघ से दिनों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तक दो सांसद वाली पार्टी से लेकर 300 से ज्यादा सांसदों के लिए मिले आशीर्वाद तक पार्टी ने चार चार पीढ़ी, अनेक परिवार अपने आप को खपा चुके हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान के अधिष्ठान पर ये पार्टी खड़ी है। प्रारंभिक काल से ही हमें जो मंत्र मिला, संगठन का, समर्पण का, संघर्ष का, सेवा का, और इन सबको एक ही धागे में परोया गया संस्कार, हमें श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे अनगिनत महापुरुषों ने राष्ट्र प्रथम का आदर्श दिया है। आज भी हमारे बीच में ऐसे ही अनेक महानुभाव है, अनेक वरिष्ठ महानुभाव है जिन्होंने पांच पांच, छह छह, सात सात दशक इसी एक मंत्र को लेकर के जिया है और हमें जीने का सिखाया है। आज उस आदर्श को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का हम सबका दायित्व बनता है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा और समय रहते इसके खिलाफ एक व्यापक जंग शुरू की शुरुआत की। भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णय किए, उन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया, सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने में कोई कमी न रहे इसकी चिंता की। और जैसा आप जानते हैं, एक ऐसी बीमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था कि कैसे आती है, कहां जाती है, किसके पास पहुंचती है, कुछ पता नहीं था। तब जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी एक्सपर्ट की मदद से करते रहे। एयरपोर्ट के पर विदेशों से लोगों के आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हो, हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया। राज्य सरकारों के सहयोग से इन फैसलों को गति भी मिली। भारत ने जितनी तेजी से काम किया है, जितनी समग्रता से काम किया है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है, आज उसकी प्रशंसा सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
WHO ने भी की। तमाम देश एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करें, इसके लिए सार्क देशों की विशेष बैठक हो या G20 देशों का विशेष सम्मेलन, भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल AG Club। थैंक यू।